वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटेसिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप जहां पर भी खुश आबाद हैं। लेकिन दरअसल कुछ ऐसे मामला थे कि सीजन 3 की लास्ट वीडियो हमें थोड़ी डिले करनी पड़ी। उसके अंदर स्वीडन के अंदर जिस तरह वो शायरी ने हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जाने वाली किताब कुरान पाक को जलाने की कोशिश की और उसके खिलाफ हम पूरी मजम्मत करते हैं और फैंटेस्टिक शो सीजन 3 वहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। लेकिन आज चूंकि एक बहुत अहम दिन हमारे लिए और उन तलबा के लिए जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, और वो तलबा जो बोर्ड के अंदर टॉप कर चुके हैं आज वो हमारे मेहमान बने हैं, और इसीलिए कि उन बच्चों ने मेहनत की पूरा साल और बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लिए। अब ये सीज़न 4 हमने इस बिना के ऊपर लेकर आए हैं कि बच्चों की हम हौसला अफजाई करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ताकि वो अगर किसी मुआशरे के अंदर आगे बढ़ते हैं कहीं पर मुकाम के अंदर, अगर किसी मुकाम के ऊपर अगर पहुँचते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो कि वो कई चार आदमियों के अंदर खड़े होकर बात कर सकें। आज हम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद होंगे जिन्होंने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल किए, पूरा साल मेहनत की। आज हम उनसे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा बनता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए फैंटेसिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटेस्टिक शो सीजन 4 के अंदर आप सबको वेलकम एक बार फिर। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वदूद जी। अब्दुल वदूद, कैसे हैं आप साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फरहान भाई कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया जी, और आपने बच्चों को ये मौका दिया कि वो अपनी बात कर सकें, माशरे में चार बंदों के अंदर खड़े होके अपनी बात करने का मौका दें। अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये मौके देने चाहिए कि वो चार बंदों के अंदर खड़े होकर किस तरह बात करनी है, माशरे में किस तरह जीना है, किस तरह बोलना है, किस तरह उठना बैठना है, उनको बात करनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट ही करना चाहूँगा कि आपने अपने शो में मौका दिया सबको, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए और सबको बुलाया। आपका भी शुक्रिया जो आपने जो अपना कीमती वक्त होता है तलबा का, भी आप सबको पता है कि तलबा किस तरह मेहनत करते हैं पूरा साल। हम भी एक तालिब इल्म, हमें भी इस चीज़ का इल्म है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब्दुल वदूद ये है कि आप शुरू से ही क्या इतने इंटेलिजेंट थे कि इतने मार्क्स आपने जो है वो हासिल कर लिए बोर्ड के अंदर? नहीं, मैं तो ना तो कोई इतना टॉपर भी नहीं हूँ, ना मैं मतलब कह लें कि लो बच्चा भी नहीं, मैं एवरेज हूँ कि मतलब 80% 84-85 मिडिल मैन हूँ मैं। तो इस हिसाब से मैं कैसे कहते हैं बस नंबर गेम किए शुरू से ही इस तरह हूँ। शुरू में पहले लाइक था, मतलब लाइक तो नहीं, मतलब अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता बड़ा होता गया हूँ तो नंबर। अच्छा अब्दुल वदूद, ये होता है कि जब हम मुआशरे के अंदर बड़े होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं हमारे कोई और ख्वाब होता है कि हमने क्रिकेटर बनना है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब क्या ख्वाब था छोटे होते, क्या ख्वाब था कि मैं ये बनूंगा, और अब क्या ख्वाब है? क्या चेंज हुई है, चेंजिंग आई है किसी अपने ख्वाब के अंदर आपके? जी चेंजिंग तो लाजमी आई है। छोटे होने से ही शौक भी था, मुझे भी था, मेरे वाले साहब को भी था कि जी डॉक्टर बनना है, तो मैं चला जी डॉक्टर बनना है। मैंने साइंस भी रखी 9th-10th में, अच्छे नंबर भी हासिल किए, 80% नंबर थे मेरे मैट्रिक में भी, तो 82%। उसके बाद मैं इंटर में गया, इंटर में जाके मैंने प्री मेडिकल रखा। अच्छा, तो प्री मेडिकल रखा तो फिर मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में, और मैंने भी कुछ उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे ना फर्स्ट ईयर में नंबर आए बहुत कम। तो उस टाइम मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ, बट मेरे वाले साहब ने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम रिपीट करो, और अगर तुम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना भी चाहते हो तो कोई इशू नहीं, वो पढ़ो, उनमें कुछ करके दिखाओ। तो उस टाइम मेरा थोड़ा आगवा था, आजकल जनरेशन कंप्यूटर वाली है, टेक्नोलॉजी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है सारी, तो फिर इसलिए मैंने फिर मूव ऑन किया कि मैंने फर्स्ट ईयर रिपीट करनी है, और मैंने ICS कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में मैंने लिया। तो उसमें फिर माशाल्लाह मेरा दोबारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 80% नंबर आया। हम भी आपका अप्रिशिएट करते हैं अब्दुल वदूद। आपसे जो मेरा एक क्वेश्चन बनता है, ये हमारी ऑडियंस है वो भी देख रही है आपको, क्वेश्चन ये है कि क्या ये वालदैन जो होते हैं इनका किरदार होता है आपकी इस मार्क्स के गेन करने के अंदर कि नहीं होता? जी वो ये तो मतलब आपको बोलना चाहेंगे कि जी आप अच्छा पढ़ो, और अच्छा पढ़ोगे तो फिर ही आप कल को उनके लिए भी कुछ कर पाओगे, माशरे के अंदर कोई आप जो अच्छा इंसान बन सकते हैं। अच्छा अब्दुल वदूद, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था, क्वेश्चंस के अंदर मैं क्वेश्चन करते मैं ये भूल गया, अपनी आपने जो वो तालीम
ये होता है कि हमारे तो जब हम स्टडी करते थे तब तो डायरेक्ट ही हम प्रेप से पढ़ना स्टार्ट करते थे, अब तो पीजी नहीं कराई या प्ले पता नहीं क्या क्या नहीं कराया हमें तो कुछ नहीं है। आपने कौन से अदारे को जो है वो मुंतखब किया, आपके पेरेंट्स ने किस अदारे को मुंतखब किया तब, और फिर आपने क्या वहाँ पर टीचर्स का किरदार आपकी जो है वो लाइफ के अंदर रहा, जरा आप हमें ये जरा डिस्कस करके जरा बताइएगा कि आपने कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूशन तब आपके पेरेंट्स ने जो है वो मुंतखब किया आपके लिए। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए दी एजुकेटर स्कूल, आपने नाम सुना तो होगा, उनके ऑल ओवर पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, तो उनकी माल्टाउन में ब्रांच है हमारे गुजरावाला में, उन्होंने वहाँ स्कूल में मुझे दाखिल करवाया, तो मैंने वहीं से अपना नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक मैंने टोटल उधर से ही पढ़ा है। तो वहाँ पर भी साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल हमारे साथ, उन सब ने बहुत साथ दिया कि उन्होंने ये समझा कि हमारे अपने बच्चे हैं और उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें पढ़ाया है। और आज ये तो नहीं कह सकता मैं किसी मुकाम पे तो नहीं अभी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिक में अच्छे नंबर मैंने हासिल कर लिए। अच्छा अब्दुल, तो ये कहा जाता है कि अदारा जो है वो बहुत डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, उसके मार्क्स के ऊपर। अगर आप बोर्ड के अंदर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर सेकेंड ईयर तक तो तकरीबन बोर्ड ही जो है वो हमारी स्टडी को मैनेज करता है। ये कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है, अदारा होता है, वो बहुत इसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे की लाइफ के ऊपर, क्या ये वाकई है? कि मैंने कुछ स्कूल्स के अंदर देखा है कि कहते हैं जदीद दस्तगीर स्कूल हमारे गुजरावाला के अंदर, उसके बाद लर्निंग हब है, उसके बाद ये QDPS कायद आज़म डिवीन पब्लिक स्कूल भी, अब तो कॉलेज का भी उसको जो है रुतबा मिल गया, क्या ये कॉलेजेस के अंदर ही बच्चा पढ़ के सिर्फ ये इतने अच्छे नंबर ले सकते हैं, या ये छोटे मोटे स्कूल्स के अंदर पढ़ के भी बच्चे नंबर हासिल कर सकते हैं? कि मेरा तो ये नहीं किया जो सा मर्जी स्कूल हो, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ के ना अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि जो हम स्कूल में देखें ना, अगर आप मैट्रिक का टॉप रिजल्ट देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वही हमेशा क्या उसे कहते हैं सर फ्रिस्ट होते हैं और उनके नाम सबसे पहले आया होता है। ये कोई नहीं है कि छोटा बड़ा स्कूल, ये बस कह लें कि हमारे माशरे में एक लेवल्स बन गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप जो से मर्जी स्कूल में पढ़े, आपने अपनी मेहनत और आपके साथ की मेहनत से और आपके वालदैन की दुआओं से आपने जो से मर्जी स्कूल में जो से मर्जी कॉलेज में आप हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल वदूद, आप हमें ये जरा बताइएगा कि आप जो है वो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो अपनी तालीम जो आपने जारी रखी हुई है, जरा इस बारे में बताइएगा। जी तो मैं इस टाइम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, नाम आपने सुना होगा, जी गुजरावाला ब्रांच में मैं वहीं पर तालीम हासिल कर रहा हूँ। और आपको तो पता है प्राइवेट कॉलेजेस से प्राइवेट सेक्टर में पंजाब कॉलेज का पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान में एक अच्छा नाम है, तो अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, और जितनी भी तारीफ की जाए मुकाम है उस कॉलेज की। मैं भी इस बारे में यही कहता हूँ कि जो पंजाब कॉलेज है ना इस टाइम वर्ल्ड के अंदर क्या पूरे मैंने तकरीबन अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें तो इसकी हाई रेटिंग मिलेगी आपको पाकिस्तान के, और इसी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले तालबा इलम जो है वो टॉप करते हैं, और इसी कॉलेज के अंदर कई मैंने ऐसे तालबा इलम भी देखे हैं जो बगैर फीस के वहाँ पर पढ़ते हैं और इतने इतने अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, और वो हम भी ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही मुल्क के वो बच्चे हैं, उनको हम अपने इस शो के अंदर बुलाना चाहते हैं जो टॉप करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अब्दुल वदूद, यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और अपनी ऑडियंस से भी कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि अब्दुल वदूद भी हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब जो ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं उसके अंदर हम एक नया ट्विस्ट ऐड करेंगे। देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नासरीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो सीजन 4। हमारे साथ ब्रेक से पहले अब्दुल वदूद मौजूद थे जिनके बोर्ड के अंदर 405 मार्क्स हैं, और अगर आप इनका रिजल्ट कार्ड देखना दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। आगे हम अपनी बात की तरफ चलते हैं, ट्विस्ट है जो हमने आपको बताया ब्रेक से पहले कि हम ऐड करेंगे ट्विस्ट। ट्विस्ट ये था कि हम अब्दुल वदूद से अब मैट्रिक तक की लाइफ तो हमने पूछ ली, अब हम इनसे इंटर की लाइफ के बारे में पूछते हैं कि किस तरह हम इंटर की लाइफ के बाद इन्होंने क्या करना है। अब्दुल वदूद थैंक यू सो मच एक बार फिर दोबारा से आपका जो आपने ज्वाइन किया हमें, बहुत जो है वो कीमती वक्त होता है तलबा इलम का। आपसे एक क्वेश्चन किया है कि इंटर की लाइफ जब आपने स्टार्ट की कॉलेज, तो आपने हमें बता दिया ब्रेक से पहले कि आपने पंजाब कॉलेज ज्वाइन किया और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है मेरे हिसाब से भी, तो अब आपका क्या प्लान है कि कॉलेज के अंदर आपने एक साल गुजार लिया, उस साल के बारे में हमें जरा थोड़े से बताएं, क्या कॉलेज के दिन स्कूल के दिन से अच्छे होते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ ही मैं कहता हूँ ज़्यादा बेटर है कॉलेज से, लेकिन क्योंकि स्कूल लाइफ में ना आपको कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री,
कुछ आपको इतना टेंशन नहीं, टेंस फ्री होता है इंसान जी। ये मुझे मैंने कोई काम नहीं करना, स्कूल का काम किया, रात को फिर शरारतें की, सो गए, सुबह उठे। कॉलेज लाइफ में हम जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे ना, एक टेंशन सी बढ़ती जा रही है कि यार हम आगे क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करना है, हमने अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है आगे, क्या बनेगा हमारा। स्टूडेंट्स को होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार कि मैं अब इतना पढ़ रहा हूँ कि मैंने आगे क्या करना है, मेरे नंबर आएंगे, मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा अब्दुल, अभी अभी मैं बैठा था, आपने अभी अभी जो सवाल किया उसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि पिछले साल 2022 के अंदर 7 लाख और कुछ अफराद तलीम याफ्ता थे वो छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं। अब ये जहन में हमारे भी ख्याल आता है, आपके भी आता होगा कि अगर ये मुहिब वतन थे तो पाकिस्तान में रहते, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस टाइम पॉलिटिकल हालात भी खराब हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि उनको पाकिस्तान के अंदर रह के जॉब करनी चाहिए थी कि बाहर कम लोगों को जाना चाहिए था जी। इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालातों के साथ साथ इकोनॉमिकल हालात भी बहुत खराब है, और जैसा कि आप जानती हैं कि लोगों ने PhD या MPhil वगैरह किए हुए हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो अगर जो हाल है अब एक रिच मैन एक अमीर आदमी उसके पास तो सस है कि वो अपना बियर कर सकता है ऐसे हालात में भी, लेकिन एक मिडिल क्लास एक लोअर क्लास बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी एक फैमिली भी है, हमने कब तक अपने वाला साहब के को कहना जी कि आप हमारे खर्चे उठाएं। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमने भी अपने पांव पे खुद खड़े होना है, अपनी फैमिली को मैनेज करना है, और जब उस फैमिली में मैनेज करने के लिए हम इतनी तालीम हासिल करते हैं उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती अपने मुल्क में, फिर मैं नहीं समझता कि ठीक है, फिर आपको खुद ही कहते नहीं भैया पाकिस्तान में मुझे कुछ नहीं है नजर आ रहा तो मैं बाहर ही जाऊँ फिर जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल हालात इस टाइम बिल्कुल ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह का इस टाइम निज़ाम चल रहा है सियासत का, कोई समझ नहीं आ रही, किसी आम आदमी को भी नहीं समझ आ रही कि किसकी हुकूमत है, किस जगह के ऊपर किसकी हुकूमत है, कोई समझ नहीं। और इस हवाले से मैं अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब PM जो इस टाइम पाकिस्तान के, उनको एक सिर्फ पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा आप जो है वो इस तरफ ध्यान दें तलीम की तरफ भी, कि जो तालबा इलम इतनी अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल तलीम के ऊपर गुजार देते हैं, और उस तलीम के बाद अगर उनको उनकी तलीम के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी तो वो फिर बाहर जाने के हकदार हैं, फिर वो हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो मुहिब वतन नहीं है, वो वतन में ही रहकर काम करें। अब मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ, वदूद आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वदूद मेरी ऑडियंस हैं, देखें मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप तलीम हासिल करें। अब मेडिकल एक बच्चा कर रहा है, उसने इंटर कर लिया, उसके इंटर के अंदर मार्क्स भी अच्छे हैं, वो मेरिट के ऊपर भी आ रहा है, अब मेरिट के बाद उसको कहा जा रहा है कि इतने पैसे दें हम आपको फिर सीट देंगे, ये हालात खराब। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मुल्क के अंदर छोटे तबका भी जो है वो रिश्वत लेता है, फिर हम कहते हैं कि हमारे जो है वो वज़ीर आज़म, हमारे जितने भी पॉलिटिकल जितने भी अदरात हैं वो रिश्वत लेते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब तक हम अपने आप को नहीं दुरुस्त करेंगे तब तक हमारा ऊपर वाला निज़ाम भी नहीं दुरुस्त होगा, और जबकि फरमान भी है इस बारे में कि ये कहा जाता है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह की उनके ऊपर जो है वो हुक्मरान जो है मुसल्लत किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जिस मुल्क के अंदर एक तालिबे इल्म पढ़ रहा है उस तालबे इलम के मार्क्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं और वो डॉक्टर भी बन जाता है, यही समझ लें डॉक्टर भी बन जाता है, अब वो जब डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद उसको रोज़ के कितने मरीज चेक कर लेता है वो उसको ही पता, आई थिंक 200 कर लेगा, अब उसने जब देखना कि मेरी तलीम के ऊपर इतने पैसा लगा है, 1 से 1.5 से 2 करोड़ मेरा तलीम के ऊपर मेरा पैसा लग गया, उसने फिर सर वो महंगाई से पीसी हुई अवाम अगई महंगाई से पीसी हुई है अवाम, उसने और जो है वो अपना प्रेशर डाल, उसने कहना भाई इतनी फीस है मेरी, अब वो आम बंदा जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरफ हम चलेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा शो का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा होता है, हमने वदूद साहब से भी 2-3 और क्वेश्चन करने हैं। वदूद, इंटर की लाइफ के अंदर अब आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं, तो अब क्या ख्याल है सेकेंड ईयर के अंदर क्या मार्क्स आएंगे, कुछ ख्याल है कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, तैयारी तो जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ही आएंगे, और मैं ये भी अपने एंट्री टेस्ट की भी तैयारी मैंने शुरू कर दी है, कहीं तो नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करने लगा हूँ ताकि मैं आगे यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर हासिल कर सकूँ, एंट्री टेस्ट के लिए अच्छे नंबर हासिल कर सकूँ, और ताकि मुझे आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की एडमिशन मिल सके। अच्छा अब्दुल, आपका भी यही ख्याल है कि मैं जी तलीम हासिल करूँ उसके बाद बाइक चले जाऊँ, है ख्याल कोई है माइंड के अंदर होता है? नहीं, मेरा अभी तक तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है। अब्दुल वदूद, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया, और आपको पता भी है तलबा इलम का वक्त कितना कीमती होता है, और तलबा इलम जो जैसे हो फिर वो मेहनत भी करते हैं और उसके बाद
फिर अल्लाह ताला उनको उनका फल भी दे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ जो है वो अदा फरमाए और आपकी जो मंजिलें हैं अल्लाह ताला आपको वहाँ तक पहुँचाए। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं और आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फैंटास्टिक शो।